वेलकम टू स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में एंटोनिम्स सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल एंटोनिम्स करेंगे जो कि फ्रेंड्स आपकी मास्टर वीडियो रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा के साथ कह सकता हूँ जो भी आपका नेवी SSR का जो एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम आ रहा है, उसमें एंटोनिम्स से क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सारे एंटोनिम्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे पहला एंटोनिम्स है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है आपका स्वीकार करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका एंटोनिम्स करेंगे तो एक्सेप्ट, देखिए कोई चीज़ आपने क्या की, स्वीकार की, फिर उसको तुरंत ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अस्वीकार करना। बहुत बार पूछा गया ये, तो सिंपल भी है। देखिए मैंने आपसे कहा, मैंने आप देखिए आपने को कोई प्रपोजल आया, ठीक है, उस पे बेस पे याद कर सकते हैं, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, स्वीकार कर लिया। लेकिन आपने कहा नहीं मेरा डिस्टर्ब होता है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे प्रपोजल करना ही नहीं है, तो आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अस्वीकार करना, ठीक है। तो एक्सेप्ट स्वीकार करने का क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, यानी कि अस्वीकार करना, ठीक है। देखिए एंशियंट, एंशियंट होता है आपका पुराना या प्राचीन। देखिए अगर आप पढ़े हुए हो तो आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, बोलते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना संबंधित इतिहास हो, उसे एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। तो एंशियंट जो वर्ड है उसे याद रखते हैं, एंशियंट होता है आपका पुराना या प्राचीन। प्राचीन भी आपका पुराना होता है, तो एंशियंट क्या हो गया, पुराना। तो यार कोई एंशियंट है, और आजकल ज़माना कैसा है, मॉडर्न, इतनी ज़्यादा मॉडर्निटी चली गई है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताएं आपको। तो मॉडर्न याद रख सकते हैं आप, एंशियंट आपका पुराना या प्राचीन होता है, तो उसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स बताना है, तो आपका हो गया मॉडर्न, ठीक है, नया या आधुनिक। कितने आधुनिक आविष्कार और मॉडर्निटी कितनी आ चुकी है आपको, पहले कैसे रहते थे, ठीक है, हम कितने पुराने घर थे, कच्चे मकान थे, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पक्की सड़कें, यानी कि मॉडर्निटी। और देखिए कितना टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, तो मॉडर्न हो रही है, ठीक है, डिजिटल हो रहे हैं हम, यानी कि मॉडर्न हो रहे हैं, नया आधुनिक विकास, ठीक है। तो एंशियंट का हो गया आपका मॉडर्न, ठीक है। देखिए हमारा तीसरा वर्ड है यहाँ पे एंग्री। एंग्री होता है क्रोधित, ठीक है। एंग्री क्या होता है आपका, क्रोधित। आप एंग्री हो गए किसी से, नाराज हो गए या क्रोधित हो गए, आपने एंग्री हो गए किसी से, क्या हो गए, नाराज हो गए या क्रोधित हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इसमें ट्रिक्स वाइज बता रहा हूँ, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आपको ये सारे एंटोनिम्स यहीं कहीं पे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एंग्री हुए, मैं किसी से नाराज हुआ, ठीक है, एंग्री, किसी ने आपसे कुछ बोला, नया खून है भाई, बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है नई उम्र में, तो आप क्या होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। उसी की जगह पर अगर आप अगर प्लेज्ड हो जाए तो आप कैसे रहेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि दूसरे वाले आपसे एंग्री हुआ, आपने प्लेज्ड यानी कि मुस्कराए हल्के से और थोड़े से खुश हुए, तो यार उसका जो गुस्सा था वो शांत हो जाएगा, ठीक है। आप एंग्री हो आप पे कोई, तो प्लेज्ड हो जाइए यानी कि प्रसन्न हो जाइए, यानी कि अपने जीवन में फ्रेंड्स ऐसे वर्डों को उतार के देखिएगा, ठीक है, इससे आपको जल्दी याद होंगे। तो एंग्री आप पे कोई हुआ, आप तुरंत प्लेज्ड हो जाइए, क्या हो जाइए, प्लीज्ड, आप तुरंत प्रसन्न होंगे, वो एंग्री बंद हो जाएगा, ठीक है, वो भी प्रसन्न होगा, यार आप पे क्रोधित हुआ है ना, वो आप प्लीज्ड हो गए, तो वो भी आपके एंग्री होना बंद हो जाएगा, तो एंग्री का क्या हो गया, प्लीज्ड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आर्म्ड। आर्म्ड होता है आपका सशस्त्र, क्या होता है, सशस्त्र, ठीक है। तो आर्म्ड है फ्रेंड्स, आप कैसे सशस्त्र हो, ठीक है, शस्त्रों से लैस हो, ठीक है, आपके पास हथियार हैं, यानी कि आर्म तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आर्म होती है भुजाएं, ठीक है, और आर्म्ड यानी कि भुजाओं पे जो रखा जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो, आर्म्ड यानी कि सशस्त्र, ठीक है। तो सशस्त्र है तो फ्रेंड्स अनआर्म्ड होते, अन का क्या मतलब होता है, ना से होता है, तो बिना किसी हथियारों के हो आप कैसे हो, अनआर्म्ड हो, ये तो वैसे भी है, आर्मी होती है आपके, उसके पास हथियार होते हैं, आप याद सकते हैं आर्मी हथियारों से देश की रक्षा करती है, ठीक है, तो आर्म्ड है, ठीक है, आर्म्ड आर्मी से रिलेट करिएगा, और ये आर्मी हथियारों से लैस होके तब बॉर्डर पर रक्षा करती है हमारी, ठीक है, तो उसे हम याद रख सकते हैं, आर्म्ड जो वर्ब होता है वो होता है सशस्त्र, ठीक है। और अगर आप अनआर्म्ड हो तो किसाओ, बिना किसी हथियार के आप लड़ने पहुँच जाओ, यानी अनआर्म्ड पहुँच जाओ, तो क्या होगा, धुलाई होगी, ठीक है, तो अनआर्म्ड मत जाइएगा बिना किसी हथियार के, ठीक है, आर्म्ड होता है आपका सशस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अस्लीप। अस्लीप होता है आपका सोया हुआ, क्या होता है, अस्लीप, अस्लीप होता है आपका सोया हुआ। और देखिए सोया हुआ का यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर आप सो गए हो तो यार जागो गई ऑब्वियस सी बात है, तो आप कब जागते हो, अवेक, ठीक है, अवेक यानी कि जागृत या जागा हुआ, ठीक है। तो देखिए आप अस्लीप मत बनिएगा, क्या आप क्या बनिए, अवेक बनिएगा, ठीक है, जागता हुआ या जाग, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये भी आपकी समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एग्री। एग्री होता है आपका सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना, ये दोबारा वर्ड पूछ लिया है, यहाँ पे एग्री होता है सहमत या अनुमति। एग्री आपका सहमति, जैसे आपने बोला कि मैं इस कार्य को करने के लिए एग्री हूँ, ठीक है,
तुमने बोला कि मैं इस कार्य को करने के लिए एग्री हूँ, तैयार हूँ। तुमने बोला मैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए एग्री हूँ, ठीक है। आपको किसी ने ऑफर किया कि भाई तू एसएससी पुलिस की तैयारी मत कर, तू एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर ले, तो आपने क्या किया, एग्री हो गए। चल ठीक है, आप तूने बोला तो मैं एग्री हो जाता हूँ, एयरफोर्स की तैयारी करूँगा मैं, ठीक है, तो वो एग्री हो गया। अगर आपने मना कर दिया, नहीं डिसएग्री हूँ मैं एयरफोर्स की तैयारी नहीं करूँगा, मैं तेरे से डिसएग्री हूँ, यानी कि असहमत हूँ, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ केवल वही तैयारी करूँगा, तू जो बोल रहा है वो नहीं करूँगा, तो आप कैसे हो, डिसएग्री हो। तो आप एग्री बनिएगा यानी कि सहमत। देखिए नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ऑलवेज। ऑलवेज होता है फ्रेंड्स आपका सदैव, ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा, ये ऑलवेज सदैव, तो इसका क्या हुआ, नेवर कभी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अराइवल। अराइवल होता है अराइव, अराइव देखिए अराइव से अराइवल बना है, तो अराइव क्या होता है, कहीं पे पहुंचना या पहुंचना, ठीक है, तो अराइवल क्या हो गया आपका आगमन या पहुंचना, ठीक है। देखिए गाड़ी अराइव कर रही है, ठीक है, तो यानी कि स्टेशन पे आ चुकी है, ठीक है। और देखिए डिपार्चर कर रही है तो गाड़ी छूट चुकी है, ठीक है, ट्रेन वगैरह डिपार्चर कर गई तो ट्रेन छूट चुकी है, लेकिन ट्रेन अराइवल की रही है तो ट्रेन आई है, ठीक है, यानी कि आगमन किया है उसने। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सिंपल सा वर्ड है अगली, सॉरी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है आपका सुंदर। तो देखिए सुंदर है आपका, कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो कैसा होगा, अगली होगा फिर, यानी कि क्रूप, ठीक है। तो आप ब्यूटीफुल हो पहले तो सुंदर है कोई व्यक्ति, और दूसरा पर्सन उसके अपोजिट होगा यानी कि एंटोनिम्स बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अगली हो जाएगा यानी कि कुरूप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे आपका बिफोर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर होता है आपका पहले, क्या होता है पहले, और उसके बाद आपने क्या किया, आफ्टर हो गया, आप क्या हो गए बाद में, ठीक है। देखिए आप पहले आ गए किसी जगह पे एग्जाम सेंटर पे एयरफोर्स का एग्जाम देने के, यानी कि बिफोर हो गए आप पहले पहुंच गए, और देखिए आप आफ्टर बाद में पहुंचे तो आप क्या लेट हो जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे ना, तो बिफोर पहले पहुंचो, ठीक है, आफ्टर बाद में, तो बिफोर का अपोजिट हो जाएगा आफ्टर बाद में। अब यहाँ से नेक्स्ट वर्ड पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है आपका, वीरता होती है यानी कि बहादुरी, ब्रेव बहादुर होता है, और देख ब्रेवरी हो गया आपका वीरता, ठीक है, ब्रेवरी आपका क्या हो गया, वीरता हो गया, क्या हो गया, वीरता। अगर आप कोवर्डाइज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कायरता दिखा रहे हो, कोवर्डाइज कर रहे हो तो क्या कायरता दिखा रहे हो, तो आप ब्रेव हो, आप कोवर्डाइज नहीं हो, ठीक है, तो ब्रेवरी बनिएगा वीरता। कोवर्ड कायर होता है और कोवर्डाइज क्या होता है, कायरता। देखिए कोवर्ड से एडजेक्टिव होता है कायरता, कोवर्डाइज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो कोवर्डाइज आपका कायरता, और ब्रेवरी आपका क्या होता है, वीरता। तो ब्रेवरी का अपोजिट फ्रेंड्स आपका कोवर्डिस हो गया यानी कि कायरता, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सीप, कोई चीज़ कैसी है, सीप है यानी कि सस्ती है, ठीक है, सीप आपका सस्ता होता है, जैसे सब्जियां सस्ती वगैरह हो जाती हैं तो सीपेस्ट हो जाती है। देखिए वो आपने सुना होगा सीपेस्ट स्मार्टफोन मिल रहा है आपको छूट के स्थान पर, ये बहुत ज़्यादा सीपेस्ट स्मार्टफोन मिल रहा है बहुत ही कम दामों में, यानी कि बहुत सस्ता मिल रहा है आपको, तो आप जल्दी पहुँच लेकिन नहीं पहुँच जाते हो, ठीक है। तो आपने सोचा कि आपके बजट में आ गया स्मार्टफोन, आप चाहते हो तो आप सीप यानी कि सस्ता मिल रहा है तो आप लेने जाओगे ना, अगर वो कॉस्टली हो जाए तो महंगा हो जाएगा, आप क्यों खरीदोगे, महंगी चीज़ खरीदता कोई नहीं करता ना, हाँ खरीदते हैं खरीदने वाले बट आप नहीं खरीदोगे ना, तो सीप सस्ता होता है, उसका अपोजिट बताना है आपको, तो क्या हो गया कॉस्टली यानी कि महंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे कोल्ड। कोल्ड क्या होता है आपका, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होता है कोल्ड, और कोल्ड की वजह है कोई व्यक्ति कैसा, हॉट है यानी कि गर्म है, कैसा है, हॉट है यानी कि गर्म है, ठीक है। देखिए आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप क्या, आरामदेह महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आरामदेह महसूस कर रहे हैं, उसके बजाय आप अनकंफर्टेबल यानी कि कष्टदायक महसूस कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल का क्या हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया आपका यानी कि कष्टदायक, ठीक है, क्या हो गया, कष्टदायक। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कॉन्केस्ट। कॉन्केस्ट होता है आपका विजय, ठीक है, कॉन्केस्ट होता है आपका विजय, और डिफीट होता है आपका पराजय, क्या होता है, पराजय। तो कॉन्केस्ट विजय होता है आपका, और डिफीट क्या होता है, पराजय, क्या होता है, पराजय। तो कॉन्केस्ट का हुआ आपका डिफीट यानी कि पराजय। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कॉन्वेनियंस। कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस करना यानी कि सुविधा, आपके लिए कोई कन्वेंस मिल गई, सुविधा मिल गई आपको, ठीक है, और देखिए उसकी वजह आप इनकन्वेंस हो गए, आप कैसी असुविधा में आ गए, ठीक है, तो कन्वेंस हुईगा ना कि इनकन्वेंस, ठीक है, तो याद रख सकते हैं कन्वेंस होता है, देखिए कन्वेंस करना यानी कि सुविधा लेना है, कन्वेंस करना, आपने किसी का कन्वेंस की, आपने क्या किया, सुविधा ली, ठीक है, और फिर आपने उससे इनकन्वेंस कर लिया यानी कि असुविधा में आ गए आप, किस में आ गए, इनकन्वेंस कर लिया आपने, क्या कर लिया, असुविधा में आ गए आप। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डीप। डीप होता है आपका
गहरा, क्या होता है गहरा, डीप होता है आपका गहरा, और शैलो होता है आपका उथला, ठीक है, शैलो होता है आपका उथला हुआ, ठीक है। देखिए पहले आप गहराई में गए, देखिए आपको स्विमिंग करना आती है, आप जानते हो तो इस वर्ड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। डीप गए आप यानी कि गहराई में तैरने गए, ठीक है, फिर आपको शैलो, अगर आप शैलो डरपोक हो यानी कि आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, शैलो करोगे यानी कि उथले पानी में ही तैराकी करोगे, कैसे में उथले पानी में, ठीक है। तो आप कैसे हो डीप की बजाय, कैसे हो शैलो, तो आप उथले हो, अगर आप डीप हो तो गहराई में जा रहे हो, ठीक है, यानी कि गहरा है, शैलो है तो उथला यानी कि उभरा हुआ या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो याद सकते हैं यार, कनेक्ट करके कहीं से वर्ड याद करो, ठीक है, बस याद होने चाहिए, हमें तो याद करने बस। डेफिनेट होता है आपका निश्चित, क्या होता है निश्चित होता है आपका, डेफिनेट है कोई चीज़ कैसी है, निश्चित है, और अगर वो इनडेफिनेट हो जाए तो कैसी हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, अनिश्चित। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे डिफेंस, डिफेंस होता है आपका सुरक्षा, देखिए आपको डिफेंस तो बड़े याद ही होगा, डिफेंस वो आपका सुरक्षा होता है, ठीक है, आप इसमें नेवी में या एयरफोर्स में लगोगे तो आप क्या करोगे, डिफेंस करोगे यानी कि देश की रक्षा करोगे ना, उसके बजाय अगर आप ऑफेंस करो तो आप आक्रमण करोगे, विद्रोही बनोगे, लेकिन आप तो डिफेंस में जाओगे, ठीक है, ना कि ऑफेंस में, तो ऑफेंस में मत जाइएगा, यानी कि आईएएस में शामिल, आईएसआई जो है पाकिस्तान का, ठीक है, आतंकवाद के, हम तो उनको नष्ट कीजिएगा, ठीक है, डिफेंस में जाइएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ईविल, ईविल होता है आपका बुराई, ईविल होता है आपका बुराई, ई वी आई एल, ईविल होता है आपका बुराई, ठीक है। आप बुराई है, आप में कितनी भी बुराइयाँ हैं लेकिन लोग आपको अच्छी निगाह से देखते हैं, लेकिन आप में कुछ भी अच्छा ही है तो आप कैसे हो, गुड हो, ठीक है। अगर आप ईविल हो तो कैसे हो, आप में बुराइयाँ हैं यानी कि ई वी आई एल, बुराई, ठीक है। तो ईविल बुराई और गुड सच्चाई हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, यही सिंपल वर्ड है यार। नेक्स्ट वर्ड है एल्डेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, और यंगेस्ट होता है सबसे छोटा, ठीक है, एल्डेस्ट होता है आपका सबसे बड़ा और यंगेस्ट होता है आपका सबसे छोटा। और नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकरेज, इनकरेज होता है आपका प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना होता है, और डिसकरेज हतोत्साहित करना, ठीक है, डिस्करेज होता है आपका हतोत्साहित करना, और इनकरेज होता है आपका प्रोत्साहित करना। तो आप इनकरेज कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो यानी कि हतोत्साहित कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर, एवर होता है आपका सदैव, और नेवर क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका फेथफुल, फेथफुल क्या होता है, स्वामी भक्त, ठीक है, अनफेथफुल क्या होता है, धोखेबाज। तो आप स्वामी भक्त बनिएगा ना कि अनफेथफुल, ठीक है, अनफेथफुल होता है धोखेबाज, ठीक है, तो धोखा ही मिलता है यार अनफेथफुल हो गए, यानी कि फेथफुल होता है अपना मार्गदर्शन यानी कि अपने पथ पर फेथफुल यानी कि वफादार हो, यानी कि अपने जो कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हो तो आप कैसे हो, स्वामी भक्त हो। अगर आप अनफेथफुल हो तो आप कैसे हो, धोखेबाज लोग हो, तो धोखेबाज ये लड़कियों के चक्कर में मत पड़ेगा, ठीक है, अनफेथफुल हो जाओगे, आप फेथफुल रहिएगा यानी कि स्वामी भक्त रहिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए वर्ड्स तो और भी सारे हैं पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर जितने भी सारे वर्ड हैं वो नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई ना हो तो लाइक कर देना, अगर पसंद आई हो तभी, ठीक है, और फ्रेंड्स शेयर भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर आपने अब तक स्मार्ट स्टीफेंस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, जैसे कि आगे आने वाली ऐसी मास्टर वीडियो आपको अपलोड होती रहेंगी। और आपका कोई भी सुझाव हो, किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।